हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा LIC असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। बहुत कम समय हमारे पास में बचा है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 10 न्यू पैटर्न के क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस किए थे, और आज के इस वीडियो में भी 10 नए टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि अप्रॉक्सीमेशन में अब पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और एक 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो आप लोगों को सॉल्व करना है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले देखिए, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सिंप्लीफिकेशन की, DI की, हिंदी लैंग्वेज को लेकर जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल के ऊपर, तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिएगा, आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा पूरे नंबर लेने होंगे। अगर ये मान लो कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 5 स्कोर करना होगा, 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 10 स्कोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखिए, समय कितना बचा है हमारे पास में, लास्ट के 15 दिन बचे हैं, 15 दिन से भी कम समय बचा है, तो आपको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है और खुद को चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, किन किन टॉपिक में आप स्कोर कर पा रहे हो और किन किन टॉपिक में नहीं कर पा रहे हो। तो कौन से करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यह है परीक्षा ऐप, और परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा आपको। ये जो कूपन कोड दिया हुआ है GRAMGOV40, इस कूपन कोड को अगर यूज़ करोगे तो आपको 40% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है आपके पे, LIC असिस्टेंट के लिए, IBPS क्लर्क के लिए और IBPS PO के लिए, तीनों के लिए हैं। तो अगर आपका IBPS PO का एग्जाम भी होने वाला है तो एक बार टेस्ट सीरीज़ ज़रूर विजिट करके जाइएगा। पहला जो टेस्ट है वो तो आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है, तो एक बार वो तो ज़रूर लगा के जाइएगा। और टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज करना चाह रहे हो तो परीक्षा ऐप की कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, आप इसको मोबाइल फ़ोन से लगा सकते हो, किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो परीक्षा ऐप की यूज़ कीजिएगा। चलेगा, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चन तो। बट यहाँ पर ना थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आने लग जाती हैं कि अगर हमसे क्यूब रूट निकलवा रहा है वो, तो क्यूब रूट निकालने की ट्रिक हमारे पास में होनी चाहिए। चलो, ये तो बहुत छोटा सा क्यूब है, मान लो कल को वो 106 का क्यूब दे देगा, मान लो कि क्वेश्चन में 106 का क्यूब दे दिया, तो पता तो होना चाहिए ना कि 106 का क्यूब किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है क्यूब रूट की, वो आपको क्या करना है, विजिट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक मैंने स्क्वायर के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, और स्क्वायर की ट्रिक्स, 125 तक के स्क्वायर वहाँ पे मैंने याद करवाए हैं 10 मिनट के अंदर ही, तो आप लोग एक बार वो दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1231 लिखा हुआ है, तो 1231, अब 15 तक तो देखिए क्यूब आपको याद करने ही हैं, और अगर 20 तक कर सकते हो तो उससे ज़्यादा अच्छा तो क्या होगा आपके लिए, आप समय बचा लोगे अपना। तो 15 तक तो मिनिमम याद होने चाहिए, 20 तक कर सकते हो तो कर लेना। 15 तक जब आप याद कर ले तो आपको पता चल जाता है कि देखिए 10 का जो क्यूब होता है ना वो कितना होता है, 1000, यही होता है, और जो 11 का क्यूब होता है ना वो कितना होता है, 1331। अब ये जो वैल्यू दी हुई ना 1231, ये 1000 से ज़्यादा है लेकिन 1331 से कम है ये, तो अब यहाँ पर आंसर जो है ना वो इन दोनों के बीच में तो वेरी करेगा नहीं, क्योंकि क्यूब जो होगा वो परफेक्ट ही पूछा जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है, तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कौन सी अप्रॉक्स वैल्यू लिखी जाएगी, 10 या 11, तो देखिए कंपेयर करना है आपको कि ये जो 1231 लिखा हुआ है ये 1000 से कितना डिफरेंस रखता है, 231 का डिफरेंस है, और ये 1131 से कितना डिफरेंस रखता है, सिर्फ और सिर्फ 100 का, 1231 और ये 1331, तो नज़दीक किसके है, ये 11 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर जो क्यूब रूट बनेगा इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11। आंसर क्या हो जाएगा, 11। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ये तो चलिए डायरेक्ट भी आपको पता चल जाएगा कि 1331 के आसपास है। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 50664 का क्यूब रूट निकालना है आपको, इसको किस तरीके से निकालोगे वो तो चलो हमने याद कर लिया था कि 15 तक याद करेंगे, 20 तक याद करेंगे, काम चल जाएगा, बट अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो क्या करेंगे फिर हम लोग। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, एक बार तो पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और ट्रिक जो है वो एक बार देख लो, क्यूब रूट की ट्रिक जो होती है वो भी मैं एक बार आपके साथ फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। करना क्या होता है कि एक बार पूरा का पूरा नंबर लिख लो, फिर राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को अलग करना है कुछ इस तरीके से। अब 4 यूनिट डिजिट पे है ना, यूनिट प्लेस पे है, वंस डिजिट पे है, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 50 किन दो क्यूब्स के बीच की वैल्यू है, 3 और 4 के क्यूब की बीच की वैल्यू है, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो दोनों के बीच की वैल्यू तो है 50, तो इसमें छोटा वाला नंबर लिख दिया जाता है, यानी कि 34, तो ये नंबर हो जाता है हमारा। अब ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे होंगे, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का आंसर।
एक बार मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ आपको और फिर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ जो थी वो आपको मैंने बता दी कि 50 और 664 को अलग करना है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 4 के बीच की वैल्यू, तो 34 आपका बन गया। अब जो ऑप्शन है ना उनके ऊपर भी ये जो आपका क्वेश्चन है ये जाने वाला है, ऑप्शन देख के भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। वो कैसे करना है ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, 50,664 यानी कि अगर मैं 30 का क्यूब लेता हूँ तो वो 27,000 होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, 30 का क्यूब अगर होता है तो 27,000 होता है, 40 का क्यूब अगर होता है तो वो 64,000 होता है, और 50,000 जो है ना वो 27,000 से ज़्यादा है और 40,000 से कम, यानी कि ये जो क्यूब होने वाला है ये 31 से लेकर 39 के बीच की ही वैल्यू होने वाली है। 31 भी हो सकता है और 39 तक भी जा सकता है, इन्हीं के बीच के आसपास की वैल्यू होने वाली है ना ये। तो आपके जो ऑप्शन होंगे ना वो देखिएगा किस तरीके से कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, ऑप्शन ही कई बार इस तरीके से आ जाते हैं, 37, 42, 27, 62 और 56। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि भैया 27 से ज़्यादा होगा, 64 से कम होगा, और यानी कि 31 से 39 के बीच की कोई वैल्यू होने वाली तो वो सिर्फ एक ही है, 37। इस तरीके से अगर आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इससे चले जाइएगा, और अगर आपको बेसिक जो है वो ही हमेशा काम में आता है, जिसकी ये जो है ना ये वाला पैटर्न, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको कभी फेल नहीं करवाएगा किसी भी तरीके से। ये हो सकता है कि कई बार फंसा दे, बट ये कभी भी नहीं फंसाएगा। तो इससे अगर जाते हो तो आपका 34 आता है। ऑप्शन में गए हम लोग, ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है, 37 मिल रहा है नियरेस्ट नंबर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का है, तो 37 पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो 37 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है बट आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट जो वैल्यू है ना वो कैंसिल नहीं हो पाती है। तो किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो गलतियाँ करते हो ना आप लोग एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और अगर वो गलती फिर से कर रहे हो तो एक बार उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास गलतियाँ सुधारने के लिए। चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 7231 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दिया 21 से, और इस 1.7 को मैं 1.8 मान लेता हूँ, ठीक है, 1.8 मैंने मान लिया, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.8 हुआ तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने 1.7 को 1.8 लिख दिया। अब डिवाइड किया मैंने 3 से, तो ये कितना टाइम, 7 टाइम हो जाएगा, और ये कितना टाइम हो जाएगा, 0.6 टाइम हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और फिर क्या करना है मुझे, इसको मैंने डिवाइड किया 7 से, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 0.6 से, तो 620 के अराउंड मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा, और यही आया तो आपका जो आंसर है वो गलत आया है। यही की जो गलतियाँ होती है हमारी अप्रोक्सीमेशन में, गलतियाँ हो जाती है, हमें लगता है कि हमने सही किया है, बट छोटी छोटी गलतियाँ हम एग्ज़ाम में पीछे कर देती हैं, फिर हम लोग बोलते हो कि यार एक्यूरेसी तो मेरा 100% था बट फिर भी पता नहीं मार्क्स कैसे कट गए, वो इसी कारण कट जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रखते हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 1.8 लिखा ना आपने, यहीं पे गलती कर दी बस। ये देखिए, मान लीजिए कि 7231 को मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, और मल्टीप्लाई करना है 1.7 से, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। रात दिन का फ़र्क कैसे है, क्योंकि आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मान लो कि मैं पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देता हूँ इस तरीके से, तो इसको तो 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये नंबर देखिए कितना बड़ा है, 7231 7,000 से भी ज़्यादा है। तो अगर एक बार भी ज़्यादा आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना गलती से, तो वो जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 7,000 से भी ज़्यादा जा रहा है, 7,231 और आ जाएगा। तो 7,000 इतनी बड़ी वैल्यू अगर आप अप्रोक्सीमेशन में यूज़ करोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलती होने वाला है। फिर अप्रोक्सीमेशन में इतनी बड़ी वैल्यू को हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बताते हैं कभी भी। तो क्या करेंगे, 1.7 ही रखेंगे इसको। अब क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 7 से डिवाइड किया तो ये 3 आ गया, ये आ गया 1033। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो 1033 है इसको मैं 1032 लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख सकते हो आप, अगर आप इसको 1.8 नहीं लिख सकते तो इसको 3.32 कैसे लिख सकते हो। तो आप समझिएगा यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना इसको, तो 1032 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक बार, और एक बार मैं कर रहा हूँ 1033 से डिवाइड, नंबर मेरा सेम है। आप लोग देखिएगा बहुत पॉइंट में आपको फ़र्क मिलेगा, ये होता है अप्रोक्सीमेशन, ये होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बहुत बहुत मतलब पॉइंट्स में भी बहुत कम फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज़ जो है आप अप्रोक्सीमेशन में यूज़ कर सकते हो, आप इसको डिवाइड करोगे और 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे, 585 के अराउंड आपका आंसर आएगा, और ये वाला करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा अगर आपने गलती कर दी थी तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आप क्यूब रूट निकालना सीख लिया तो स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा दो। तो स्क्वायर रूट में भी यही चीज़ होने वाली है,
ये जो नंबर है ना इसको चेक करना है कि किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू हो सकती है। चेक आपको हमेशा टेंथ डिजिट वाले करने हैं, 10, 20, 30, 40 उनके बीच में। तो देखिएगा 9000 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 8000 की बात करता हूँ, मान लो 80 की बात करता हूँ, 80 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है 6400, और 90 की मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाता है 8100। लेकिन ये तो इससे भी बड़ी वैल्यू है ना 90 से भी, तो हम लोग 90 नहीं, फिर 90 को हम लोग छोटा वाला नंबर मानेंगे और नेक्स्ट नंबर मान लेंगे 100 को। तो 90 और 100 के बीच की वैल्यू है ये, क्योंकि 9355 जो है वो 8000 से ज़्यादा होता है और 10000 से कम होता है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है ना। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू में 91 और 99 के बीच का कोई नंबर होगा, जो कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन वाली जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग भी करते हैं इसको, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं है ये, दिखता ईजी है बट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। ये क्वेश्चन जो आपको आसान नज़र आते हैं ना वो एक्चुअल में होते नहीं है, छोटी छोटी गलतियाँ करवा जाते हैं। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग भी। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे। देखिए 170 × 14 लिखा हुआ है, इसको मैंने कितना लिखा, 181 को 180 लिख दिया। अब फिर से वही सवाल आएगा कि सर 181 को आपने 180 कैसे लिख दिया अगर एक में इतना फ़र्क पड़ रहा है। तो पहली चीज़ कि वो 7231 था, बहुत बड़ी वैल्यू थी वो। उसके बाद में उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मान लीजिए आप अप्रोक्सीमेशन में इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से और आपने कर दिया 3 से, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका। तो एक तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, और दूसरी चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ज़्यादा कर रहे हो तो वो अप्रोक्सीमेशन नहीं रह पाता है। 181 से डिवाइड करना है या 180 से डिवाइड करना है, आप देखिएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैंने 4 को डिवाइड किया 5 से, 4 को डिवाइड किया 6 से, कितना फ़र्क पड़ेगा। ये 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 3 समथिंग आ जाएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू है इस तरीके से। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ, 181 को मैंने 180 लिख दिया, इसको सॉल्व करूँगा मैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 17 × 14 = 238 / 18, 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को, और कर लिया हो तो चलिएगा हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आपको ये समझना है कि किस वैल्यू को कितना हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1880 का 69.89%। तो 69.89 इसका मतलब अराउंड 70 के पास गया है, तो मैं 70 लिख सकता हूँ। और ये 701 का 45 45.28% है, तो मैं इसको 45 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 700 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 188 × 7 कर देना है, 7 × 45 कर देना है, सॉल्व कर लोगे 1000 आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये समझना होगा कि बस किस वैल्यू को कितना लिख सकते हैं। और फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिएगा ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 3-4 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 7828 मान लूँगा। चलिएगा एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट को मैं क्या मान लूँगा, 5129 मान लूँगा, सिंपल। इसको मैं 99 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 2279 मान लूँगा। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा इसको मैंने 7828 मान लिया, इसको मैंने 5129 मान लिया, 2279 लिख देंगे इसको, और इसको कितना लिख देंगे, 3276। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, आपके पास दो रास्ते होंगे। अब खुराफाती दिमाग होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर डिजिट सम से क्यों नहीं कर सकते, इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन से करना। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा डिजिट सम से, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको फंसाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक जो चीज़ें होती है ना वही हमेशा काम में आती है, ट्रिक्स जो होती है ना वो कई बार फेल हो जाती है। तो डिजिट सम से आप कर पाओगे लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पहुँच पाओगे, ट्राई कर लेना अगर आपको आता भी है तो। इस क्वेश्चन में तो मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ईजी सा क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 10107, और जब ये इधर आके नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8045 अराउंड 1700 के आपका आंसर आ जाएगा। और इससे आसान तरीका नहीं होगा इसको सॉल्व करने का, हो सकता है कि आपको थोड़े से 10-12 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन तो एकदम एक्यूरेसी के साथ में होगा ना आपका, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर कर रही है अभी एग्जाम्स में। आपको पता होगा कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो रिजल्ट आया है कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो एक्यूरेसी मैटर करने वाला है। और आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखना है तो थोड़ा 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बट क्वेश्चन तो सही हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, वीडियो को पॉज करके।
थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, बट इसको किस तरीके से हम लोग ईजी बना सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। डिजिट सम से करने मत जाइएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पर ना इसको ईजिएस्ट फॉर्म में लिखना ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार इसको ईजिएस्ट फॉर्म में लिखना, खुद ट्राई करना, वहाँ पे बहुत से बंदे इसको गलत ही लिखने वाले हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे भी डिवाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डिवाइड लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखें। ये प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों के साथ, देखिए मेरे। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से लिखना है पहले तो ये चीज़ समझ लो। 549 एज इट इज़ लिखेंगे, 5455 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड बाय 53 है तो 5455 के नीचे आ जाएगा 53। फिर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 199, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/199। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा कि आप लोग क्या करते हो कि 53 के नीचे इसको लिख देंगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे, वो भी सही है, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से लिखोगे फिर ये वैल्यू ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नॉर्मल तरीके से आप समझो, जब भी अगर डिवाइड दिखे ना तो बस उसको चेंज करके 1/ वो वैल्यू लिख दो, कभी भी डिवाइड दिखे तो मल्टीप्लाई करो और 1/199 इस तरीके से। ये भी तो 1/53 ही है, बस 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 455 से। सिंपल है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और कैसे चेंज करें, सिंप्लीफिकेशन है तो देखिएगा, लिख देता हूँ मैं एक बार। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन है तो किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे 550 लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको 455 रहने दो, इसको 53 रहने दो, इसको 200 कर देता हूँ और इसको 120 कर देता हूँ। अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए 53 से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 10 टाइम्स तो हो जाता है, लेकिन 10 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये पॉइंट समथिंग कुछ और वैल्यू भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर 53 लिखा हुआ है और 53 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं 530 बनता है, और यहाँ पे तो 550 है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं 10 को ही मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो कि मैं 10 को लेके चल रहा हूँ, अभी अप्रॉक्सीमेशन है तो मैंने 10 को लिया, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4550 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 120। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग 2730 आएगी। सॉल्व कर लेना इसको, इजी सी चीज़ है, इसको तो कर ही लोगे, लेकिन वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा के हमें लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया इसको 455 को, हमको करना था 10 पॉइंट समथिंग से, अगर 3 भी आता है तो भी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो 2800 के आसपास जाएगी। कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, यही चीज़ मुझे बतानी थी कि अगर अप्रॉक्स में थोड़ी सी वैल्यू आप कम लेके भी चल रहे हो तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसको थोड़ा सा क्या कर देना है, बढ़ा देना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्यूब्स और याद होने चाहिए स्क्वायर, तो इसका 9 का क्यूब आपको पता होगा 729 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 का मतलब 6 × 6 × 6 × 6, ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 36, तो 36 × 36, तो 6 की पावर 4 का मतलब होता है 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। याद होगा तो जल्दी से लिख दोगे, नहीं तो फिर इसको भी निकालने में टाइम लगेगा, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 2025 169 माइनस कर दो, 1856 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को, इसको 25 लिखेंगे, इसको 16 लिखेंगे, इसको 20 लिखेंगे, और बाकी बचा हुआ एज इट इज़, तो ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को एक बार, चलिएगा ट्राई कर लिया तो देख लेते हैं। 25 एज इट इज़ लिखा हुआ है, 16 लिख दिया मैंने इसको और डिवाइड कर दिया मैंने, अब देखिए ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कंप्लीट ब्रैकेट से डिवाइड होगा 20, छोटे छोटे चीज़ें हैं, गलतियां मत कीजिएगा। 749 एज इट इज़ है, लिखा मैंने इसको डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करता हूँ 4 टाइम, 4 से डिवाइड करता हूँ 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया मैंने 5 टाइम, अब ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 हो जाएगा, 20 अगर मैं इससे माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 729, यही तो हो जाएगा ना, इससे 20 माइनस करना है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 729, 729 स्क्वायर लगा हुआ है, इधर रूट लगाओगे तो 729 किसका होता है, 27 का होता है, ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए, ये भी नहीं पता तो भी प्रॉब्लम हो जाती है कि 729 किसका होगा, तो इसलिए चीज़ें याद करो थोड़ी सी, चलेगा। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको करना है, 5435 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5035, इसका आंसर करिएगा, पांचों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आपके आंसर का मैं वेट करने वाला हूं, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा इसको सॉल्व करके। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, थैंक यू।